हाय एवरीवन दोस्तों, जनवरी 2023 सेशन में जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है उनके लगातार क्वेरीज आ रहे हैं एग्ज़ाम्स, असाइनमेंट और क्लासेस से रिलेटेड। देखिए, क्लासेस से रिलेटेड तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो जनवरी 2023 सेशन के स्टूडेंट हैं उसमें से कुछ कुछ प्रोग्राम की, और कुछ कुछ भी नहीं कहूँगा मैं बोलूँगा सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम की क्लासेज हैं वो स्टार्ट होना शुरू हो गई हैं। उसमें MBA हो सकता है क्योंकि सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम के एग्ज़ाम हो रहे हैं अभी जून के अंदर। वो आपने नहीं दिए तो वो भी मैं डिस्कस कर लूँगा इस वीडियो के अंदर। तो जो जनवरी 2023 में अगर आपने एडमिशन लिया है तो कुछ कुछ सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम की क्लासेस स्टार्ट होना शुरू हो गई हैं। आपको क्लासेस की इन्फॉर्मेशन मिलेगी कहाँ से, चाहे आप एनुअल बेस्ड कोर्स के हो या सेमेस्टर बेस्ड कोर्स के हो, आप गूगल पर सिंपली सर्च करो अपने रीजनल सेंटर की वेबसाइट IGNOU RC और जो भी आपका रीजनल सेंटर है वो आगे लिख दो, आपके फर्स्ट नंबर पर ही वेबसाइट आ जाएगी। वहाँ जाने के बाद काउंसलिंग का एक शेड्यूल का एक सेक्शन रहता है हर RC की वेबसाइट पर, उसी सेक्शन में आपको आपके क्लासेस का शेड्यूल मिलेगा। और अभी ये शेड्यूल मोस्टली एनुअल बेस्ड कोर्सेज के लिए नहीं आया है, अब जून का मंथ शुरू हो गया है, मोस्ट प्रोबेबली आपको नेक्स्ट मंथ तक उम्मीद है कि काउंसलिंग का शेड्यूल आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ कुछ रीजनल सेंटर के जो है ओरिएंटेशन, जिसको आप बोल सकते हो, यानी कि इंडक्शन मीटिंग भी आप बोल सकते हो, वो भी कंडक्ट हुई हैं, वो जून के फर्स्ट वीक में हुई है कुछ कुछ कोर्सेज की, और कुछ कुछ कोर्सेज की जल्द ही होने वाली है। आप लोग थोड़ा सा और पेशेंस रखो, इतना पेशेंस आपने रखा है क्लासेस के लिए, थोड़ा सा और वेट कीजिए। इसके बाद बात आती है आपकी स्टडी मटेरियल की। स्टडी मटेरियल जनरली एडमिशन के 2 से 3 महीने के बाद बाय पोस्ट आपके घर पर भेज दिया जाता है। पहले तो आप ये देखिए कि स्टडी मटेरियल का स्टेटस आपका क्या शो हो रहा है, अगर उसमें एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी शो हो रही है, कोई इन फ्यूचर डेट शो हो रही है तो थोड़ा सा वेट कर लो। अगर कुछ भी नहीं शो होता या पास की डेट शो होती है डिलीवरी की बुक्स की, उसके बावजूद भी आपका जो स्टडी मटेरियल है आपके पास नहीं रिसीव हुआ, तो एक बार अपने रीजनल सेंटर से ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि कई बार ये देखा जाता है कि स्टडी मटेरियल बाय पोस्ट नहीं भेजा जाता या भेजा जाता है तो किसी कारण से वो वापसी आपके रीजनल सेंटर में लौटा दिया जाता है, तो आपको वहीं से उसको कलेक्ट करना होता है। तो एडमिशन लिए हुए काफ़ी टाइम हो गया है स्टूडेंट को, स्टडी मटेरियल भी काफ़ी स्टूडेंट की क्वेरी आ रही है, इसके लिए प्लीज़ एक बार आप रीजनल सेंटर में कांटेक्ट कर लीजिए। इसके बाद बात आती है असाइनमेंट और एग्ज़ाम्स की। पहले तो हम एग्ज़ाम्स की बात करते हैं। देखिए, जो जनवरी 2023 सेशन में जिसने सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, अब वो चाहे MBA हो या MCOM भी, अब सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम हो गया, या इसके अलावा किसी 6 महीने वाले सर्टिफिकेट प्रोग्राम में एडमिशन लिया हो, या इसके अलावा BCA MCA सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया हो, अगर आपने जून में एग्ज़ाम नहीं दिए तो आप दिसंबर में दे सकते हो, इसकी तो कोई टेंशन नहीं है। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एडमिशन ही एनुअल बेस्ड प्रोग्राम में लिया है, जैसे MA के किसी सब्जेक्ट में एडमिशन लिया हो, BA BCOM BSc में एडमिशन लिया हो, डिप्लोमा कोर्स 1 साल वाले प्रोग्राम में एडमिशन लिया हो, उनके एग्ज़ाम जनवरी सेशन के होंगे दिसंबर 2023 में, ठीक है। और असाइनमेंट अगेन आई रिपीट, अगर आपका सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम था, इस सेशन में आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं करे तो वो आप नेक्स्ट सेशन में कर सकते हो, और आपका एनुअल बेस्ड प्रोग्राम है तो असाइनमेंट आपके 1 सितंबर के बाद से सबमिट होना शुरू होंगे, जो कि अराउंड मिड नवंबर तक उसका सबमिशन चलता है, ठीक है। असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ जाइए अपना लेवल सेलेक्ट कीजिए, मास्टर्स या अंडर ग्रेजुएट, वहाँ जाकर अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिए। आपका कोर्स किसी भी मीडियम में ऑफर होता है, आपका कोर्स अगर इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में ऑफर होता है तो किसी भी मीडियम में आप असाइनमेंट बना सकते हो। असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर जब भी आप डाउनलोड करते हो तो उसमें लिखा रहता है कि वो किस सेशन के लिए है, तो आप जनवरी 2023 सेशन के असाइनमेंट ऑब्वियसली वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड कीजिए, उसको बनाना शुरू कर दीजिए, अभी आपके पास टाइम है। मैंने ये वीडियो आज से लगभग 2 से 3 महीने पहले भी आपको बनाकर दी थी कि असाइनमेंट बनाना शुरू कर दीजिए, अभी आपके पास टाइम है, ईजिली आप उसको बनाकर सबमिट कर सकते हो। और इसमें बेनिफिट आपका ये, बिकॉज असाइनमेंट में जो क्वेश्चंस आते हैं हर एक यूनिट से मर्ज होकर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो आप ही का फ़ायदा है इसमें, आप ही को टर्म एंड एग्जामिनेशन में मदद मिलेगी, ठीक है जी। इसके अलावा एग्जामिनेशन फॉर्म भी आपको भरना होगा और री रजिस्ट्रेशन भी आपको करना होगा। एग्जामिनेशन फॉर्म दिसंबर में आपके एग्ज़ाम होंगे तो अप्रॉक्स सेप्टेम्बर के लास्ट या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में एग्जामिनेशन फॉर्म आ जाएंगे, 200 रुपये पर सब्जेक्ट की फ़ीस रहेगी। इसके अलावा री रजिस्ट्रेशन, सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम अगर आपका था MCOM को छोड़कर, क्योंकि MCOM के री रजिस्ट्रेशन एनुअल होते हैं, सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम अगर आपका था MBA या MCA तो उसके री रजिस्ट्रेशन ओपन है, सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ मैं, सेकेंड सेमेस्टर में एडमिशन लेना है तो उसके री रजिस्ट्रेशन ओपन है।
30 जून लास्ट डेट है, पूरा प्रोसीजर की वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। बाकी अगर आपका एनुअल बेस्ड प्रोग्राम है, एमए हो गया तो इस, या बीए बीकॉम हो गया, तो इसके री रजिस्ट्रेशन आपके नवंबर 2023 के आसपास शुरू होंगे, उसमें आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो इसको करवाने के बाद फिर सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम आप नेक्स्ट दिसंबर 2024 के अंदर दे पाओगे। तो ये कुछ क्वेरीज स्टूडेंट्स की आ रही थी एग्ज़ाम्स, असाइनमेंट, क्लासेस, एग्ज़ाम फॉर्म, री रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, स्टडी मटेरियल से रिलेटेड। आई होप मैंने आपकी मोस्टली क्वेरीज रिजॉल्व करी हों। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, कुछ कमेंट्स हो तो यहाँ पे कमेंट कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू।